Hello everyone. So this is Dr. Neera here and I hope everyone is fine. And आज मैं आपसे वैक्सीन के बारे में बात करना चाहती हूँ. लास्ट वीक ही मुझे वैक्सीन लगी थी और मैंने क्या एक्सपीरियंस किया वैक्सीन लगने के बाद वो मैं आपसे शेयर करूँगी. बट उससे पहले मैं कुछ बातें वैक्सीन के बारे में बोलना चाहती हूँ ताकि आपको जो कन्फ्यूजन है वैक्सीन को लेके वो थोड़ी दूर हो जाए. सो एज यू ऑल नो कि सब ऑलमोस्ट सब डॉक्टर्स को 6 फरवरी तक वैक्सीन लग गई है. जिन्होंने भी लगवाना चाहा था उनको लग गई है. सो किन किन लोगों को वैक्सीन लग सकती है? सो द ऑथराइज्ड एज ग्रुप वैक्सीन के लिए है 18 साल और उससे ऊपर. सो बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है. लैक्टेटिंग मदर्स को और प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए भी ये वैक्सीन नहीं लग रही है क्योंकि इसके ऊपर प्रेग्नेंट लोगों के ऊपर और लैक्टेटिंग मदर्स के ऊपर ट्रायल नहीं हुआ है. सो देर इज अ क्वेश्चन कि इस वैक्सीन के साथ साथ कोई और दूसरी वैक्सीन लग सकती है? तो नहीं. कम से कम 14 दिन का गैप होना चाहिए एक वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन के बीच में. तीसरा क्वेश्चन लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या को एक डोज कोवैक्सीन के लिए तो दूसरी कोविशील्ड की ले सकते हैं? नहीं. अगर आपका फर्स्ट शॉट, मैं बता दूं कि ये वैक्सीन एक शॉट की नहीं है, 2 शॉट्स हैं. पहला शॉट लगेगा और फिर कुछ हफ्तों के गैप के बाद आपको दूसरा शॉट लगेगा. सो अभी इंडिया बोल रहा है कि इंडिया में है कि 4 हफ्ते का गैप, बट मैन्युफैक्चरर्स के अकॉर्डिंगली 6 to 12 इज द आइडियल गैप टू गेट द मैक्सिमम एफिकेसी. 4 वीक पे सिर्फ 50% एफिकेसी ही मिलेगी. सो अब ये है कि अगर आपने पहला शॉट कोविशील्ड का लगा है तो दूसरा भी आपको कोविशील्ड का लगेगा. इंटरचेंजेबल नहीं कर सकते हम वैक्सीन को, ठीक है? सो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, मतलब किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी? सो जिनको एलर्जी की शिकायत रहती है, किसी फूड से एलर्जी है या किसी दवाई से एलर्जी है या ऑलरेडी किसी पुराने किसी वैक्सीन से एलर्जी रहती है, उन लोगों के लिए बेटर है कि वो ये वैक्सीन ना लगवाएं. दूसरा है प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग फीमेल्स को. फिर कुछ कैटेगरी ऐसी है जिसको 4 से 8 वीक के बीच में ये वैक्सीन नहीं लगवानी है, जैसे किसी को एक्टिव कोविड इन्फेक्शन हो रखा है उनको, या 4 से 8 वीक के बीच में अगर उनको प्लाज्मा थेरेपी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कोविड के ट्रीटमेंट के लिए लगी थी तो उनको नहीं लगवानी है ये वैक्सीन 4 से 8 वीक के लिए. एंड जो बहुत ही हॉस्पिटलाइज्ड है या एक्यूटली अनवेल है उस टाइम के दौरान उनको ये वैक्सीन नहीं लगवानी है, राइट? इसके साथ साथ स्पेशली वो लोग जिनको खून से रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे कि कोई प्लेटलेट डिसऑर्डर, जैसे कईयों के प्लेटलेट्स बहुत कम रहते हैं, या कुछ क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे हीमोफीलिया, ऐसे लोगों को स्पेशल प्रिकॉशन लेनी है ड्यूरिंग वैक्सीनेशन और बिना कंसल्टेशन के वैक्सीन नहीं लगवानी है. ये हिस्ट्री आपको देना जरूरी है, राइट? सो इन लोगों में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग टेंडेंसीज रहती हैं. सो इनको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, स्पेशल प्रिकॉशन, राइट? देन ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि जिन पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कैंसर है उनको वैक्सीन नहीं लगवानी है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो वैक्सीन लगवा सकते हैं. देन जिनको HIV है या इम्यूनो सप्रेसिव डिसऑर्डर्स है उनको वैक्सीन नहीं लगवानी है, उनको भी वैक्सीन लगेगी. बट ये हो सकता है कि वैक्सीन की एफिकेसी उन लोगों में थोड़ी कम हो जाए, बट वैक्सीन उनको भी लगेगी, राइट? देन कुछ लोगों का कहना है कि हमें तो कोविड हो गया है तो हमें लगवाने की जरूरत नहीं है. जिन लोगों को आराम से 2 से 3 महीने हो चुके हैं कोविड हुए उनको आराम से वैक्सीन लगवा सकते हैं, राइट? जब किसी को इंजेक्शन लग रहा है तो उसको कोई पर्टिकुलर रिएक्शन हो रहा है तो वो नोट किया जा रहा है, तो हमें विद टाइम और इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी. सो जब मुझे वैक्सीन लगी तो आई वॉज लाइक लिटल एप्रीहेंसिव, बट आई वॉज लाइक नहीं, वैक्सीन लगवानी है बिकॉज इट विल हेल्प टू स्टॉप द पैंडेमिक इन नियर फ्यूचर. सो आई विल शो यू हाउ आई फेल्ट ड्यूरिंग वैक्सीनेशन. सो वैक्सीन लगने के बाद आपको आधा घंटा ऑब्जर्वेशन वार्ड में रखा जाता है. सो ऑब्जर्वेशन वार्ड में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती आधे घंटे तक, तब आपको डिस्चार्ज कर देते हैं. सो वैक्सीन के लिए बेसिकली ये हमने पहले से रजिस्टर करवा रखा था और इन्होंने हमारा पैन कार्ड लिया था फॉर आइडेंटिफिकेशन. सो जैसे आप वैक्सीन लगवाने जाएंगे आप अपना पैन कार्ड देंगे उनको, वो अपना रिकॉर्ड करेंगे और आपके फोन पे मैसेज आएगा कि आपको वैक्सीन लग रही है और लग गई है, फर्स्ट डोज हो गई है, और आप एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? सो वो बहुत सिंपल प्रोसेस है, बस आपको एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, ठीक?
फिर उसके बाद आपको वैक्सीन लगेगी, फिर मैंने बता दिया कि आप ऑब्जर्वेशन में रहेंगे थोड़ा आधा पौना घंटा, और उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिर आपको सेकंड शॉट के लिए कुछ दिन बाद, 28 दिन के बाद, या अगर चेंज होता है नियर फ्यूचर 12 हफ्ते के बाद मैसेज आएगा। अभी आईडी अभी 28 दिन के बाद थोड़ा तो आपने देख लिया होगा कि डेल्टोइड रीजन में इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन लगा रहे हैं, छोटा सा इंजेक्शन है, इंसुलिन सिरिंज देखी होगी आपने, तो ये ज़्यादा हर्ट नहीं करती है। मैक्सिमम लोग बहुत हंसते हुए सेल्फी ले रहे हैं, बट मुझे थोड़ा सा पिंच हुआ, तो दैट वॉज माई नेचुरल रिएक्शन। सो मैंने कुछ हंसते हुए वाला ड्रामा नहीं किया है। एंड वैक्सीन के 15 मिनट के बाद मुझे क्या फील हुआ, सो वैक्सीन के 15 मिनट के बाद मुझे कानों में थोड़ा हल्का हल्का प्रेशर फील होना शुरू हो गया था। उसके बाद मुझे थोड़ी सी नींद भी आ रही थी, ये दो चीज़ें मुझे फील हुई। और आधा घंटा होने के बाद मुझे एक हल्की सी कान में आवाज़ भी आई, तो फिर मुझे लगा कि आई शुड गेट माई बीपी चेक्ड। और जब मैंने अपना बीपी चेक कराया तो मेरा बीपी बढ़ गया था, सो माई बीपी वॉज नियरली 140/97। फिर धीरे धीरे आधे पौने घंटे में वो बीपी कम होना शुरू हो गया। मे बी थोड़ा सा एप्रीहेंशन से भी हुआ, प्लस कानों में जो प्रेशर बिल्डअप कर रहा था उसके कारण मुझे टिनाइटिस फील हुआ। बट आधे पौने घंटे के बाद वो बीपी धीरे धीरे कम आने लग गया। 15-20 मिनट कुछ नहीं हुआ था मुझे, ठीक है। फिर जैसे आप बोल सकते हैं 3 घंटे के बाद मेरे को वो नींद आने वाली चीज़ भी कम हो गई। और शाम को आप बोल सकते हैं 5-6 घंटे के बाद मुझे बैकिक हो रहा था। नॉर्मली अगर आपको फीवर आना हो तो आपको आ जाएगा 5-6 घंटे के अंदर। तो अगर किसी को फीवर आता है तो वो आपने पैरासीटामोल ले सकते हैं आप। मैक्सिम एडवर्स रिएक्शन जो है वैक्सीन के साथ, वो मैक्सिमम लोग यही बोल रहे हैं कि जहाँ पे इंजेक्शन लगाया वहाँ पेन है, फीवर है, बैकएक है, ये मैक्सिमम लोगों का कंप्लेन है। कुछ लोगों के साथ सिवियर रिएक्शन हुआ है बट वो बहुत बहुत कम है, मैक्सिमम लोग ठीक है। और ये हर वैक्सीन के साथ होता है, कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा बुरा नहीं हो रहा इस वैक्सीन के साथ जैसा कि फैलाया गया है। सो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल प्लेजेंट था, एक थोड़ा सा बीपी और थोड़ा सा बैक एक शाम के टाइम, पर मुझे शाम को कोई फीवर नहीं आया और मैंने पैरासीटामोल नहीं लिया था पहले। बट कुछ लोग पैरासीटामोल पहले ही लेके जा रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। अगर आपको पता है, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है कि आपको हमेशा फीवर आता है, तो आप कर सकते हैं वैसा। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बैक एक था मुझे डेफिनेटली 1 दिन के लिए, बट नेक्स्ट डे आई वॉज परफेक्टली ओके। नेक्स्ट डे मुझे हल्का सा इधर पेन था, दैट वॉज द ओनली थिंग। बाकी हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस एंड आई होप इट इज हेल्पफुल फॉर यू इन नियर फ्यूचर जब आपको वैक्सीन लगेगी। थैंक यू।